तो देखा ना फ्रेंड्स, कितना क्रिस्पी और करारा नाश्ता लग रहा है। आप आवाज सुनकर ही समझ सकते हैं कि कितना कुरकुरा बना ये। और इसे बनाने के लिए मैंने सिर्फ आलू का इस्तेमाल किया है। खास तौर पर बच्चे बहुत मिस करते हैं मैकडोनल्ड की फ्रेंच फ्राइज, तो क्यों ना उन्हें हम घर पे ही बढ़िया सी फ्रेंच फ्राइज बना के खिलाएं, जो ना केवल बच्चे बल्कि बड़े भी इसे मांग मांग कर खाएंगे। इसे बनाने के लिए मैं आलू ले रही हूँ, तो थोड़े बड़े साइज के आलू चाहिए आपको, और इन्हें हम पहले छील लेंगे। तो सारा छिलका अलग कर लीजिए। अब इसको काटने का तरीका भी देख लीजिए फ्रेंड्स, तो ज्यादा पतले भी नहीं होना चाहिए और एकदम मोटे भी नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए दोस्तों, एक आलू में से मैंने 5 से 6 परत निकाली है, और अब इसके मैं इस तरह से लच्छे काट रही हूँ। बहुत ज्यादा मोटे नहीं रखना हमें और एकदम पतले भी नहीं रखना है। जैसे हम बाजार में फ्रेंच फ्राइज खाते हैं, जस्ट उसके हाफ मोटाई में हमें इसे काटना है। तो बस इस तरह से आपको सारे आलूओं को लच्छों में काट लेना है। और यहां पर मैंने सारे आलूओं को कट कर लिया है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसका स्टार्च निकालेंगे। तो आलूओं को ट्रांसफर कर लेते हैं एक बर्तन में, और मैं इसमें डाल रही हूं गरम पानी। जी हाँ फ्रेंड्स, एकदम गरम पानी डालना है आपको इसमें, और पानी की क्वांटिटी उतनी होनी चाहिए कि आलू जो है उसमें पूरी तरह से डूब जाए। बस थोड़ी देर के लिए हमको इसे गरम पानी में डुबो के रखना है। और अब इन आलूओं को हम ट्रांसफर करेंगे ठंडे पानी में। तो एकदम ठंडा पानी ले लीजिए, आप चाहें तो उसमें बर्फ भी डाल सकते हैं, और फिर इन्हें हम थोड़ी देर के लिए ठंडे पानी में धोएंगे। तो ये हमारे आलू जो है वो अच्छी तरह से धुल गए हैं, स्टार्च भी पूरा निकल गया है। तो इसे अब हम फैला लेते हैं कपड़े पे। तो आप किचन टॉवल लेकर उस पर अच्छे से फैला दीजिए, ताकि इसका जो पानी है वो निकल जाए। तो बस 1-2 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ दीजिए, आप चाहें तो फैन के नीचे भी रख सकते हैं इसे। और यहाँ पर ऑयल भी अच्छे से गर्म हो चुका है, पहले एक फ्राइज को डालकर चेक कर लेते हैं। तो बस इतना ही टेम्परेचर चाहिए हमें, ना तो तेल बहुत ज्यादा गर्म होना चाहिए और ना ही एकदम ठंडा। ये देखिए दोस्तों, जैसे ही मैंने आलू डाला है बबल्स आना शुरू हो गए हैं। तो बस इतना ही गर्म रखना है आपको ऑयल। तो इस तरह से फैलाते हुए हम बाकी के आलूओं को भी डाल लेंगे, और इन्हें अब हम कर लेंगे डीप फ्राई। और थोड़ी देर के बाद ये देखिए फ्रेंड्स, फ्राइज जो है वो हल्के हो चुके हैं, तेल के ऊपर आ गए हैं। तो अलटते पलटते हुए इन्हें एकदम गोल्डन होने तक अच्छे से फ्राई कर लीजिए। इन्हें अब हम निकाल लेते हैं तेल में से, और एक पेपर नैपकिन पर रख लेते हैं। इसे ट्रांसफर कर लेते हैं एक बर्तन में, और इसकी आवाज सुनिए फ्रेंड्स। आवाज से ही आपको पता चल गया होगा कि कितना करारा सिकाई है। बिल्कुल भी सौगी नहीं बनता है, एकदम क्रिस्पी बनता है। मैं यहाँ पर कुछ मसाले भी ऐड कर रही हूँ। तो थोड़ा सा अमचूर पाउडर डाला है मैंने, थोड़ा सा इसमें चाट मसाला स्प्रिंकल करेंगे। मेरे पास पीरी पीरी मसाला था, तो थोड़ा सा पीरी पीरी मसाला भी डाल लेंगे। अगर आपके पास ये मसाला नहीं है, तो आप इसकी जगह लाल मिर्च पाउडर भी यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा नमक मिला लेंगे, और बस अच्छे से सारी चीजों को मिक्स कर लेंगे। और ये तैयार हो गए चटपटे करारे क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज। अगर आप छोटे बच्चों को दे रहे हैं, तो सिर्फ नमक डाल के भी दे सकते हैं। आप इसे शाम की चाय के साथ खाइए, या फिर बच्चों को ऐसे ही बना के दीजिए। और खास तौर पर इस लॉकडाउन में बच्चे बहुत इंजॉय करेंगे इसे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आई है रेसिपी, तो आप भी ट्राई कीजिए, मुझे कमेंट करके बताइए कैसी बनी थी। और जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर करते जाइए, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करना ना भूलिए। और चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।